भवन जर्जर, भय में कर्मचारी बाहर बैठ काम करने को मजबूर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के भवन को नकारा घोषित करने के बाद व तुरंत खाली करने के नोटिस के बाद भी भवन में काम करने को मजबूर कर्मचारी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कर्मचारी बाहर बैठ काम करने को मजबूर, जिम्मेदार मौन। मैं मनोज मीणा, जूनियर असिस्टेंट राज्य बीमा प्राधिकरण जैसलमेर से। इस ऑफिस के बारे में ये है कि 2022 के अंदर PWD ने इसको एक लेटर दिया है दोबारा, जिसके अंदर इसको तुरंत खाली करने के आदेश दिए थे कि आप इसको तुरंत खाली करो। इस संबंध में हमने कलेक्ट्रेट से इसकी परमिशन ली कि आपके पास अगर कोई भवन है तो आप हमें उपलब्ध करवाएं। उस संबंध में हमने जिला कलेक्ट्रेट से भी लिख के दिया गया है कि हमारे पास कोई भवन नहीं है, आप कोई नया भवन देख करके इसको खाली करें तुरंत, और जब तक इसकी रिपेयरिंग या मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक आप इसमें निवास नहीं करें, कार्यालय संचालन योग्य ये नहीं है। उसके उपरांत भी कई इतने दिन हो गए हैं कि अभी तक इसका कोई नया भवन का ना तो अलॉटमेंट हुआ है, ना किसी प्रकार की इस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि कोई नया भवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर अभी जो भवन की दुर्दशा है, कुछ दिनों से पहले तो ये था कि चलो बैठे थे कर्मचारी, पर अब तो पलस्तर भी गिरने लग गया है, पट्टियाँ ऊपर से छत की जो हैं वो टूट टूट के बिखर रही हैं, तो दिख रहा है, तो कर्मचारी में एक भय का माहौल पैदा हो गया है, जिसके बाद कर्मचारी जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर जाने से भी घबरा रहे हैं। तो इस संबंध में कल परसों जो भी दो तीन दिन पहले हमारे जोधपुर संभाग के एडिशनल डायरेक्टर आए थे, उनके सामने भी ये वाक्या हुआ था, तो ये उनकी नज़रों में भी है कि इस तरह से पट्टियाँ टूटी हुई हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमें आगे बात करूंगा इस मामले में, पर अभी तक इसके मामले में कोई हमारे पास किसी प्रकार का कोई समाधान उपलब्ध नहीं हुआ है। इस संबंध में जब तक कि इसकी रिपेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारियों में भय का माहौल होने की वजह से हम बाहर अपना आसन लगा करके कर्मचारी जो भी बाहर से आ रहे हैं ताकि परेशान नहीं हो। जैसे मेरा बड़ा कार्य जिला होने के कारण है और ज़िले का एकमात्र ऑफिस होने के कारण कर्मचारी काफ़ी दूर से आते हैं और परेशान ना हो, इस वजह से हम बाहर बैठ के उनका कार्य का समाधान कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। पर विभाग का ज़्यादातर कार्य ऑनलाइन होने के कारण और जितना भी काम है वो कंप्यूटर संबंधित होने के कारण बाहर नेटवर्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वो कार्य अभी भी बाधित चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, विभाग से दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी से जल्दी नया भवन अलॉट करवाया जाए ताकि जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान नहीं होता, कर्मचारियों की सुरक्षा रहे। कर्मचारी की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, अगर कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहेगा, भय के माहौल में काम करेगा, तो वो एक विभाग के लिए बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। तो इस पर आप ध्यान। गणपत लाल मेवड़ा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, GPF कार्यालय जैसलमेर, जो कि यहाँ पर पूरे ज़िले के सरकारी कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। इस कार्यालय भवन की इतनी दुर्दशा हो रखी है कि 2010 में इसको नाकारा प्रशासन ने घोषित कर रखा है। 2010 या 2022 हो गए और अभी तक इसमें बीच में अतिवृष्टि के समय भी इसमें पूरा पानी का बहाव रहा और अभी ये स्थिति है कि ऊपर से पट्टियाँ टूट टूट के गिर रही है और यहाँ के कार्मिक जीवन और मौत के बीच में बैठ के काम कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में 20 तारीख को हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने भी उसका मौका मुआयना किया, पट्टियाँ टूटी हुई है लेकिन अभी तक इस कार्यालय भवन को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों में खौफ है कि हम अंदर काम करते हैं कोई घटना घट गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके लिए हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारे जल्दी जल्दी नए भवन में शिफ्ट कराएं। आप आज ऑफिस छोड़कर बाहर काम कर रहे हो, इसकी क्या मजबूरी होगी? उसकी मजबूरी ये है कि हम लोग अंदर किसी भी क्षण कोई भी हादसा घटित हो सकता है, उस हादसे से बचने के लिए और कार्यालय में सरकारी कर्मचारी का काम डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए हम बाहर बैठ के उनके काम का जहाँ तक हो सके समाधान करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं।